हिजाबच्या बंधनाच्या नावाखाली धर्माधर्माचा जो तेढ निर्माण करणाऱ्या कर्नाटकाच्या भाजप सरकारचा आज आम्ही इथे निषेध करीत आहोत. आणि त्याचाच नवी मुंबई महिला जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. आणि याच्यामध्ये आपण सर्वजणांनी बघितलं असेल की मुस्लिम समाजातील महिला देखील सामील झालेल्या आहेत. तर त्यांच्याशी संवाद साधत असताना त्यांनी मला त्यांची व्यथा सांगितलेली आहे का त्यांचा जो मजहब आहे त्याच्यामुळेच ते त्यांचा जो हिजाब परिधान करत असतात आणि त्याचा दुसऱ्या धर्माला काही नुकसान होत नाही म्हणून त्यांना कर्नाटकाच्या भाजप सरकारना एवढंच म्हणायचं आहे की त्याही त्या मुस्लिम जरी असल्या तरी या त्या भारतीय आहेत आणि त्यांना सन्मानाची वागणूक ही दिलीच पाहिजे. आपल्या भारताचे जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानच लिहिलेलं आहे की कोणत्याही महाविद्यालयामध्ये असं कंपल्सरी नाही आहे की युनिफॉर्म हा घातलाच पाहिजे. काँग्रेस के पास कोई भी विकास का मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए ये धर्म का राजनीति ये लोग निर्माण कर रहे हैं. कोई भी सत्ता या कोई भी सरकार हिजाब को या बुरके को विरोध नहीं कर रहा और वो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू पहले से है, वो कर्नाटक में हो या महाराष्ट्र में हो. महाराष्ट्र में भी विद्यापीठ में ड्रेस कोड लागू है. विद्यार्थिनियों के और विद्यार्थी के जो कपड़े पहनने का पुराना तरीका था उसको बदलने के लिए ड्रेस कोड शासन ने लागू किया हुआ है. इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके हिजाब को या आपके बुरके को विरोध है. विरोध तो सब धार्मिक परंपराओं के वस्त्रों को हो रहा है, परंतु कोई विद्यार्थी ने अगर चाहती है कि मुझे हिजाब पहनना है या बुरका पहनना है तो उसका अधिकार है. उसके लिए वो मुख्याध्यापक से विशेष परवानगी लेके वो अपना वस्त्र परिधान कर सकती है. इसमें भी कोई अड़चन निर्माण होती है तो बीजेपी सक्षम है उसको परवानगी लेके देने के लिए. हमारा कोई भी धर्म से कोई भी ऐसा विरोध करने का कोई बीजेपी का कारण नहीं है. पूरा कांग्रेस का षड्यंत्र है और कांग्रेस के पास ये बची कुची राजनीति है अपना अस्तित्व बचाने के लिए. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत.